खरगोन जिले के सेगांव में आने वाले होली, गणगौर और सभी बारात पर्व को लेकर नगर की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस चौकी द्वारा शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी पर्वों को नियमों का आत्मपालन करते हुए मनाने की बात कही गई। ग्वालियर जिले के भितरवार विधानसभा के पूर्व विधायक बृजेंद्र तिवारी शनिवार को ग्राम करोड़ा पहुंचे, जहां गांव के सिद्ध स्थान पर एकत्रित हुए ग्रामीणों ने पूर्व विधायक का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया और इसके बाद बघेल और बाथम मोहल्ले के रहवासियों ने पूर्व विधायक को अपनी बिजली सहित अन्य मूलभूत समस्याओं से अवगत करवाया। वहीं पूर्व विधायक बिजली विभाग से चर्चा कर उनकी समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। नसरुल्लागंज में विकासखंड स्तर पर टीएलएम प्रदर्शनी मेले का आयोजन नगर के महक गार्डन में किया गया। विकासखंड नसरुल्लागंज के अंतर्गत 10 संकुल केंद्र से 90 मॉडल की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें 3 टीमों का चयन हुआ जो जिला व संभाग स्तर पर अपनी प्रदर्शन दिखाएगी। बैतूल शासकीय हाई स्कूल में टीएलएम मेले का आयोजन किया गया। जन शिक्षा केंद्र स्तरीय टीएलएम मेले का उद्घाटन में भैंसदेही संकुल के अंतर्गत सभी स्कूलों से शिक्षक व बच्चे मेले में पहुंचे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कार्यक्रम की शुरुआत की। मेले का मुख्य उद्देश्य शिक्षण विषय वस्तु व शिक्षण सामग्री को मॉडल द्वारा रुचिपूर्ण बनाकर शिक्षा लेना है। श्रमजीवी पत्रकार संघ मध्य प्रदेश द्वारा प्रेस क्लब भवन रतलाम में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष दीपक जैन के संयोजन में गर्व प्राइम अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें समाज एवं मानव कल्याण की दिशा में किए गए प्रेरणादायी व पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर ग्रामीण तहसील पत्रकार संघ बदनावर के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह यादव की अनुशंसा पर बदनावर तहसील क्षेत्र में आमजनों के मुद्दों को तत्परता से प्रसारित व प्रकाशित करने के संदर्भ में 85 अतिथियों द्वारा ग्रामीण पत्रकार संघ बदनावर के साथ पत्रकारों का सम्मान किया गया।